अस्सलामुअलैकुम सब फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें मैं शेयर कर रही हूँ अपना मेकअप, कि मैं कौन कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ और जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई इतना ज़्यादा ह्यूज वैनिटी तो नहीं है मेरे पास मेकअप की, बट जो भी चीज़ें हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने फाउंडेशन के, मैं कौन से दो फाउंडेशन जो है वो यूज़ करती हूँ। एक है हुदा ब्यूटी का और दूसरा है लॉरियल पेरिस का। हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच या थिक नहीं होता, तो उससे मैं ज़्यादातर जो है वो डे में, यानी कि डे टाइम का जो फंक्शन होता है उसमें मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग दिखती है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा और माय फेवरेट जो है वो ये फाउंडेशन है। उसके बाद ये आ जाते हैं लॉरियल पेरिस का। इसको मैं जब हमें जैसे रात में वेडिंग का कोई फंक्शन है या कोई भी नाइट का फंक्शन जो है ना, तो उसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ इस फाउंडेशन को। और ये इतना अच्छा फाउंडेशन है लॉरियल पेरिस का कि ये आपके फेस के जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, फेस के आपको जो है वो आई के बाद डार्क सर्कल्स होते हैं या पैचेस वगैरह होते हैं, उनको अच्छे से जो है वो कंट्रोल करता है, उनको मिनिमाइज़ करता है, आपके पोर्स वगैरह को भी। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये लॉरियल पेरिस का फाउंडेशन है। काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फेस पाउडर की तरफ। ये पार्टी क्वीन का फेस पाउडर है, मेरे पास काफ़ी पुराना है बट अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके इस तरीके से ये जो है ओपन होता है, इसका ये वाला अपर पार्ट जो है ये आपको थोड़ा सा वो दिखेगा, मतलब थोड़ा सा शाइनी है, ग्लॉसी है, बट इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैट है, मैट लुक देता है आपको। और आप देखिए, मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है कि ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये एज इट इज़ आपको दिख रहा है, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये शाइनी में अच्छा नहीं लगता, तो ये जो है वो मेरा फेवरेट है। अब आ जाती है बारी हमारे प्राइमर की। प्राइमर में मैं यूज़ करती हूँ 24K गोल्डन एडिशन का जो है वो ये प्राइमर है, और ये किस ब्यूटी का है। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग जो है वो दिखती है, और ये देखें, मैं इसको यूज़ करती हूँ बट कम करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा जो है ना वो प्राइमर अपने फेस पे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखें इस तरीके से है ये, और आप इसके फ्यू ड्रॉप्स लेके अपने फुल फेस पे जो है वो इसको लगा लें अच्छे से जो है वो, और फिर उसके बाद आप मेकअप करें तो बहुत अच्छा सा आपका फेस प्राइम हो जाता है, ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको दिखा दिया है किस ब्यूटी का 24K का ये हमारा प्राइमर है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी कॉन्टोरिंग की तरफ। कॉन्टोरिंग पैलेट ये बिल्कुल छोटी सी आपको दिखेगी, ये देखें, और ये आपको मेरे पास जो है वो ये कॉन्टोरिंग पैलेट और ये आई शेडो, हाईलाइटर वगैरह शॉर्ट भी दिखेंगे, छोटे छोटे से, क्योंकि ये इजी टू कैरी होते हैं। आपको कहीं जाना है तो आप अपने पर्स में, क्लच में भी ये इजीली आ जाते हैं, और आप इनको जो है वो ट्रैवलिंग में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी पैलेट्स जो होती हैं उनको आपको रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये दो शेड्स हैं इसमें, एक लाइट शेड है, एक डार्क शेड है, तो जिससे आपकी कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ये वैरायटी क्वीन का मेरे पास कॉन्टोरिंग पैलेट पाउडर है, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपनी ये छोटू सी आई शेडो किट, बिल्कुल छोटू सी है ये, इसका ब्रश हम हटा देंगे, ठीक है। इसमें टू शेड्स जो है वो बिल्कुल मैट हैं, 1, 2, 3, ये थ्री शेड्स बिल्कुल मैट हैं, और ये थ्री शेड्स जो है वो थोड़े ग्लॉसी से हैं, ये इस तरीके से थोड़े ग्लॉसी से हैं ये। और ये वाला शेड जो है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फेवरेट है, ऑरेंज वाला भी, और ये सारे शेड्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इनको अच्छे से ब्लेंड करके यूज़ करेंगे तो इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये छोटू सा ब्रश है इसके साथ, और ये भी देखिए कितनी छोटी सी है, ये है जी डबिको की आई शेडो ब्राउज़र, और आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ आप इसको ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल छोटी सी है, तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं अपने क्लच में या उसमें। और अब आ जाते हैं अपने इस छोटू से ब्लश ऑन की तरफ। ये ब्लश ऑन जो है वो है क्लाजोना का, जो कि मैंने परचेज़ किया था चेज़ वैल्यू से,
और ये थी इसकी बिल्कुल चीप सी प्राइस, थी 385 रुपीज़ का ये था, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें इतना अच्छा इसका कलर है, पिंक सा शेड है। आप इसी से समटाइम्स, तो मैं इसी अपने जो है वो ब्लश ऑन से ही अपने आई शेड्स पे भी जो है वो शेडो लगा लेती हूँ और अपने चीक्स पे भी जो है ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है और कितना छोटू सा ये लगता है, क्लाजोना का है ये हमारा छोटू सा ब्लश ऑन, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी ऐसे पैकेजिंग है, ये देखिए आप ऐसे, ठीक है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और क्लाजोना का ही है हमारे पास ये हाइलाइटर, 2-in-1 है, इसको आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ हाइलाइटर भी। दोनों कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपके फेस के फीचर्स को एनहेंस करते हैं। एज अ हाइलाइटर आप इसको यूज़ करें, सिल्वर कलर भी है, पिंक शेड भी है, और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। क्लाजोना का है ये भी, और ये भी मैंने चेजअप से ही परचेज़ किया था। और ये जी आ गया है हमारा मस्कारा, ब्यूटी मॉडल का ये वॉल्यूमेटिक मस्कारा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी जो है वो मस्कारा, आपकी जो आईलैशेस हैं उनको बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम देता है। और ये भी मैंने चेजअप से चेज वैल्यू से परचेज़ किया था। और इसके साथ ही ये हमारा पेंसिल आईलाइनर जिसको हम कहते हैं, बहुत ही अच्छा है ये भी, बहुत ही ईजी रहता है ये लगाने में। अगर आप जो है वो बिगिनर्स हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और प्रिसिशन लिक्विड का ये आईलाइनर था जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत ही चीप प्राइस में हमें मिल गया है। और ये बिल्कुल भी जो है वो फैलता नहीं है और आईज़ पे बहुत अच्छे से स्टे करता है। ये भी मैंने चीज़ वैल्यू से ही परचेज़ किया था। ये एक और मस्कारा है जो कि थोड़ा सा अब पुराना हो गया है, तो ये ख़राब हो गया है और ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, अब इसको हम फेंक देंगे। यहाँ बारी आ जाती है जी हमारी ज़बरदस्त सी फिट मी की और हुदा ब्यूटी की लिप ग्लॉस, लिप्स पे लिपस्टिक कह लें, लिप ग्लॉस कह लें, कुछ भी कह लें, दो ये हुदा ब्यूटी के हैं, खूबसूरत से ब्यूटीफुल से कलर्स। और दो ये हैं फिट मी की जो कि बहुत ही फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स हैं ये। और ये ब्राउन शेड है, ये मरून है, और ये दोनों भी पिंकिश से शेड है क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर है। और पिंक से जो है वो आपका, पिंक कलर से मेकअप करने से आपका फेस बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही एक फ्रेश सी लुक आती है, तो इसीलिए मैं पिंक कलर्स जो है वो आपको मेरे पास ज़्यादा देखने में मिलेगा। ये कुछ लिप्स पेंसिल्स हैं जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से हैं, एक में एक वाइट पेंसिल भी है, ये है हमारी वाइट पेंसिल, ठीक हो गया जी। ये है हमारी ब्लैक पेंसिल, आप मैं इसको कभी कभार एज अपनी आईब्रोज़ पे भी जो है वो यूज़ कर लेती हूँ, बट मेरी आईब्रोज़ माशाल्लाह काफ़ी थिक है, मुझे इतनी नीड नहीं होती इसकी। ये कुछ लिप पेंसिल्स वगैरह हैं, ये दो हैं हमारे पास जी ब्रशेस, ठीक हो गया, ये दो हमारे ब्रशेस हैं, इसी से मैं समझ लें अपना मेकअप कर लेती हूँ कंप्लीट। बाकी एक दो ब्रशेस और हैं वो वहाँ मैंने नहीं रखे अपने पास। और सबसे लास्ट में आ जाती है जी हमारी ये बड़ी सी खूबसूरत सी पैलेट, और सबसे लास्ट में आप सबके साथ शेयर करूंगी अपनी ये ब्यूटीफुल सी पैलेट जिसमें आई शेडोज भी हैं, जिसमें ये सारे हमारे पास ब्लश ऑन भी हैं, एज अ कंटूरिंग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसमें इतने ब्यूटीफुल शेड्स हैं ऑल ओवर, इसमें देखें कितने ग्लॉसी शेड्स भी हैं, पॉपअप कलर्स भी हैं, और जो है हर एज के लिए, कोई किसी भी एज की जो लेडीज़ हैं वो इसको ईजिली यूज़ कर सकती हैं। इसमें लाइट शेड्स भी हैं, इसमें डार्क शेड्स भी हैं, और आप इसको ग्लिटर, एज अ ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये गोल्डन और डार्क ग्रीन, हर तरह का ब्लू कलर है, बहुत प्यारे प्यारे इसमें कलर्स हैं। और जो नीचे के पाइप आपको दिख रहे हैं ये हैं ब्लश ऑन, आप इसको एज अ ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हैं और एज अ हाइलाइटर भी आप इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल किट है, अभी तक मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इंशाल्लाह जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके कि आप लोगों को कौन सा आई शेडो, कौन सा ब्लश ऑन ज़्यादा अच्छा लगा। आपको वाली पैलेट जो है वो मेरी प्रो फ्यूजन कॉस्मेटिक्स की है ये, और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है ये। इंशाल्लाह हम इसको जल्द ही जो है वो ज़रूर यूज़ करेंगे। ये वाला पर्पल कलर देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं ये।
सब मैंने जो भी मेरा मेकअप था जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपनी डेली रूटीन में या कहीं जाना हो वेडिंग में कहीं भी, तो मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपनी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। सबसे लास्ट में आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं जो परफ्यूम यूज़ करती हूँ, जो बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला अल अरीज का ब्लू डिज़ायर, जो कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है और मैं इसको इसी को यूज़ करती हूँ। मुझे कोई भी और परफ्यूम पसंद नहीं आता और आप यकीन करें इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़बरदस्त है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे या आपने कभी यूज़ किया हो तो आपको पता चलेगा कि इतना कितनी अच्छी इसकी कूल सी जो है वो इसकी फ्रेग्रेंस है और मुझे बहुत पसंद है ये। मैं यही यूज़ करती हूँ बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, अल अरीज का ब्लू डिज़ायर। ठीक है, हो गया जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रख। तो ये है जी मेरी छोटी सी मेकअप की कलेक्शन या मेकअप मेरा छोटा सा है, कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो ये है मेरा फेवरेट परफ्यूम जो कि मैंने आपको बताया। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कौन सी पैलेट अच्छी लगी, कौन सा मेकअप, कौन सा जो है वो आपको लिपस्टिक का कलर ज़्यादा पसंद आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।